आपने किया था, जल्दी बोलो। नहीं सर, तो ये आपका हाइड्रोजोअन है। तो हमने एक्चुअली वी हैव डिस्कस थ्री क्लासेस, बट देर आर एक्चुअली फोर क्लासेस। ओके, तो ये जो थ्री क्लासेस हम पढ़ रहे हैं उसमें हाइड्रोजोआ में क्या होता है, दोनों पॉलिप एंड मेड्यूसा स्टेज होते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एडल्ट होता है एक्चुअली। सो दिस इज द हाइड्रोजो, ये ओबेलिया कॉलोनी है। तो ये आप देख रहे हो, ये एक छोटा सा ओबेलिया है। ओके, तो विच इज अ पॉलिप एंड फिर वो एक कॉलोनी जैसा बनाता है। उसका ये जो रूट है आप देख रहे हो, दैट इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर। सो कहाँ चला गया है? नाउ ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोराइजा। यू नो राइजॉइड इज रूट लाइक, तो ये है हाइड्रो, सॉरी हाइड्रोराइजा, तो रूट ऑफ हाइड्रॉइड कॉलोनी। ये स्टेम जैसा है तो स्टेम को हम लोग कहेंगे हाइड्रो क्या कॉलस, ठीक है, दिस इज हाइड्रो कॉलस। एंड ये फूल जैसे हैं तो दीज आर फ्लावर्स विच लुक लाइक हाइड्रा, सो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, हाइड्रान। ओके, तो एंथोस माने फ्लावर, हाइड्रा रेफर्स टू हाइड्रा, तो हाइड्रा जैसे फूल को हम हाइड्रान कहेंगे। एंड ये जो बलून जैसे स्ट्रक्चर है इसका, इसका एक्चुअली मेरे को वो गोला दिखता नहीं है। ओके, सो वेयर इज दिस मार्कर, सो दिस इज कॉल्ड गोनेंजिया। फाइन, ये आपका गोनेंजिया है। तो गोनेंजिया में क्या आ रहा है, मेड्यूसा बड्स, तो इसमें मेड्यूसा बडिंग हो रहा है, कोई शक? ओके, सो ये जो मेड्यूसा बडिंग हो रहा है तो अब ये फिर डेवलप करेगा एंड बाहर निकलेगा, तो उसको क्या बन जाएगा वो, सो दैट इज कॉल्ड मेड्यूसा। तो ये जो मेड्यूसा है ये किस तरह का मेड्यूसा है बताइए, हमने क्या डिस्कस किया था, हाइड्रा में किस तरह का मेड्यूसा होता है, बोलो, व्हाट टाइप ऑफ मेड्यूसा विल फाइंड इन हाइड्रा, विथ वेलम। ओके, हाँ, सो इसीलिए ये जो हाइड्रा है, ओके, सो दिस हाइड्रा जो है ये आपका विथ वेलम वाला हाइड्रा है। तो विथ वेलम वाला हाइड्रा को हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, बोलो, व्हाट आर वी कॉलिंग, भूल जाते हो ना, क्रेस्पेडो। तो दीज मेड्यूसा आर कॉल्ड क्रेस्पेडोट मेड्यूसा एंड दिस हैव क्या, ट्रू वेलम। प्लस इसमें आप देखिए ओरल टेंटाकल्स नहीं है, ओनली मार्जिनल टेंटाकल्स देख रहे हो। एंड ये क्या है आपका, ये उसका गोनाड बियरिंग स्ट्रक्चर है, सो दिस इज द गोनाड बियरिंग स्ट्रक्चर। अब उसमें मियोसिस होता है एंड गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स फर्टिलाइज होगा एंड वो जाके क्या बन जाएगा, सो दैट विल फॉर्म ए जाइगो। ओके, सो दैट विल फॉर्म जाइगो। ओके, समझ आया, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो गैमेट आपका जाइगोट बन जाता है, ठीक है जी। अब ये जो जाइगोट आगे डेवलप करेगा एंड ये क्या बनेगा बताइए, लार्वा। सो दिस विल बिकम ए लार्वा, किसका लार्वा,
पॉलिप का लार्वा पॉलिप का लार्वा। वाह 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 वाह, बहुत नया चीज बोल दिया यार तुमने। हाइड्रोजोन हाइड्रोजोन नहीं, इसको बोलोगे ना प्लैन्यूला लार्वा। यस सर, प्लैन्यूला। डायरिया का लार्वा को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लैन्यूला। पी का मैं कुछ कर नहीं पा रहा, समझे ना। तो ये आपका हो जाएगा प्लैन्यूला लार्वा। ओके, प्लैन्यूला लार्वा। अब ये प्लैन्यूला सेटल करेगा एंड पॉलिप प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए यहाँ आप क्या देख रहे हो? यू आर सीइंग बोथ द क्या, पॉलिप स्टेज एज वेल एज मेड्यूसा स्टेज अल्टरनेटिंग विथ ईच अदर। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए? मेटाजेनेसिस। दिस इज मेटाजेनेसिस, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजोन्स में मेटाजेनेसिस होगा, बट डिफरेंस क्या है, इन केस ऑफ योर हाइड्रोजोआ आपका जो डिफरेंस क्या है कि दोनों जो आपका अल्टरनेटिंग फॉर्म्स है वो डिप्लॉयड है। इसीलिए सिंस डिप्लॉयड है तो वो आपका मेटाजेनेसिस कहलाता है, ट्रू अल्टरनेशन नहीं कहलाता। सेकेंड पॉइंट, हाइड्रा में मेटाजेनेसिस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका पॉलिप्स नहीं होता है, बिकॉज देयर इज नो पॉलिपॉइड फॉर्म। ओके, सो ये जो लाइफ साइकिल हम देख रहे हैं, ये कौन सा लाइफ साइकिल है? दिस इज जेलीफिश लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ स्काइफोजोअन। ओके, स्काइफोजोअन ऑरेलिया ऑरिटा, इसका नाम है मून जेल, ठीक है। तो ऑरेलिया ऑरिटा उसका लाइफ साइकिल हम देख रहे हैं, दोनों एक ही जैसा है। तो ये उसका क्या है, दिस इज द मेड्यूसा। तो ये किस तरह का मेड्यूसा है, बोलिए? दिस इज कॉल्ड ए क्रेस्टेडो मेड्यूसा, हैज नो वेलम। तो इसमें वेलम नहीं होता है, अगर भी हुआ तो कौन सा होगा, सुडो, फॉल्स वेलम। तो इसे जनरली दे डोंट हैव मेड्यूसा, इफ मेड्यूसा प्रेजेंट इट विल बी फॉल्स। तो हाँ सॉरी, मेड्यूसा जो है क्या, जो वेलम है वो फॉल्स होगा। नाउ अब इधर आप क्या देख रहे हो, इसमें एक यूनिक ओरल टेंटेकल्स होंगे, ओरल आर्म्स। ओरल आर्म्स यूनिक है एंड रोपेलियम। रोपेलियम क्या होता है, ये उसका सेंस ऑर्गन होता है। ओके, तो इसलिए दिस इज द सेंस ऑर्गन of what? This is the sense organ of these animals. ये आपका sense organs होता है। ये सब का डिटेल है इस नोट में, बट वही है कि आप लोग सीरियस नहीं हो करके, उतना पढ़ाने में मेरे को भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है आपका। चलिए, so that is the case. मैं बनाया जरूर हूँ बट आपको मिल नहीं रहा और क्या। Okay? तो ये आपका जो नीचे वाला साइड है उसको सब अम्ब्रेलर सरफेस बोलेंगे, ऊपर वाला साइड को अम्ब्रेलर सरफेस बोलेंगे। एंड ये आप देख रहे हो गोनाड्स, तो इनका जो गोनाड्स है ये कौन सा लेयर होगा, एंडोडर्मल। क्योंकि हाइड्रोजोआ में गोनाड्स कौन से लेयर का था, दैट इज एक्टोडर्मल, बट इधर आपको जो गोनाड्स मिलेंगे वो एंडोडर्मल मिलेगा। अंडरस्टूड? So the gonads in these animals are endodermal. कोई शक? No sir. ये endodermal gonads है। Now अब gametes बाहर चले गए and fertilization हो गया। ये जो zygote है वो आगे जाके क्या बनेगा? वही सिडिपिड larva क्या? Ciliated planula larva? Planula larva. आपका planula larva बना। तो अब ये जो planula larva है ये आगे जाएगा एंड एक सेटल डाउन कर जाएगा। सेटल डाउन करके एक छोटा सा पॉलिप लाइक स्काइफिस्टोमा लार्वा प्रोड्यूस करता है। तो इट इज ए टाइप ऑफ पॉलिप, बट इसका बिहेवियर थोड़ा अलग है, समझ रहे हो ना। इसीलिए बहुत ऑथर्स इसको पॉलिप नहीं मानते, क्योंकि जनरली पॉलिप किस तरह का फर्टिलाइजेशन करता है, ए रिप्रोडक्शन।
बोलिए वो एसेक्सुअली क्या करता है? एसेक्सुअली मेडुसा बनाता है। कैसे? एसेक्सुअली क्या करता है? बोलिए बडिंग। बडिंग 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 या लॉन्गिट्यूडनल फिशन। ओके, बट इधर क्या होगा? इसमें ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स फिशन कर रहा है, तो इसलिए जेहेतु इसका बिहेवियर अलग है तो बहुत ऑथर्स इसको क्या नहीं मानते हैं, ट्रू। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स फिशन। ओके, या ट्रांसवर्स फिशन मतलब माने उसको काकुड़ी काटने जैसे काट रहे हैं। सपोज आप काकुड़ी को लो और राउंड पीस काटो, तो दैट इज ट्रांसवर्स फिशन। समझ रहे हो? या इसको स्ट्रोबिलेशन भी बोलते हैं। ओके, एंड दिस बॉडी इज कॉल्ड ए स्ट्रोबिला। समझ रहे हो? तो क्यों इसको स्ट्रोबिलेशन बोलते हैं? बिकॉज उसका बॉडी जो है वो है स्ट्रोबिला। सो दिस बॉडी इज एक्चुअली व्हाट? दिस बॉडी इज नोन एज स्ट्रोबिला। अंडरस्टूड? वैशाख? यस सर। चलिए, सो अब हम लोग आगे चलते हैं। सो दैट इज द कंसेप्ट। हाँ बोलो सर। मुझे एफआईआर आ रहा है स्ट्रोबिला से, क्योंकि उसका सबसे ऊपर वाला लेयर क्या? सबसे ऊपर वाला नहीं, हाँ माने ये हर कुछ जो है ये एफआईआर है, ऑल आर एफआईआर। तो ये एफआईआर है, अब ये फ्री हो गया। So this FIRA is now free. तो समझ रहे हो? मतलब हर लेयर जो है वो एक एक FIRA है। यस। तो आपका जो स्काइफिस्टोमा का काम क्या है? FIRA बनाना। तो जो जैसे हमने काकुड़ी का राउंड पीस काटा तो क्या निकला? एक राउंड पीस। सो दैट राउंड पीस इज नोन एज व्हाट? दैट राउंड पीस इज नोन एज स्ट्रोबिला। ए क्या? FIRA। एंड जो मेन काकुड़ी है उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड स्ट्रोबिला। क्यों? उसमें से हम अनेक राउंड पीस काट सकते हैं। ठीक है, सो दिस एफआईआर विल अल्टीमेटली डेवलप इनटू क्या? इनटू योर मेडुसा। ठीक है, तो इसीलिए सिंस इसमें ओके, इसमें हम लोग लिख सकते हैं स्काइफिस्टोमा। ये भी मैं आपको कंफर्म करूंगा, एक्चुअली मैं बहुत सारा रिसोर्स देख रहा हूँ, आपके लेवल का भी, मेरे लेवल का भी। तो स्काइफिस्टोमा इज नॉट ट्रीटेड एज ए ट्रू क्या पॉलिप। सो इन देम मेटाजेनेसिस इज थॉट टू बी क्या एब्सेंट। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि शायद इनमें मेटाजेनेसिस नहीं होता, बट अगेन आई विल गिव इट अ लुक एंड वी विल डिस्कस इट सम टाइम एल्स। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट सोर्सेस होना चाहिए। क्लियर? एंड इवन मैं आपको रिसोर्स दे दूंगा कि अगर कोई बहस किया तो आप बोल सकते हो कि रिसोर्स ले। चलिए, सो समझ रहे हो? तो हमने हाइड्रोजोन लाइफ साइकिल डिस्कस कर लिया एंड स्काइफोजोन लाइफ साइकिल भी डिस्कस कर लिया। ओके, अब उसके बाद जो है हमारा होता है क्या? सो उसके बाद वी कैन डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ व्हाट? ऑफ ए पॉलिप। तो ये टोटली पॉलीपॉइड कॉलोनी है। ओके, सो दिस इज ए टोटली पॉलीपॉइड कॉलोनी बिलोंगिंग टू व्हाट बताइए? सो इट मे बिलोंग टू योर एंथोजोन्स। तो एंथोजोन्स में पॉलिप है जो फिर आपको पॉलिप स्टेज देता है। अंडरस्टैंड नाउ? तो ये जो पॉलिप स्टेज है, इस पॉलिप स्टेज में आपका क्या मिलेगा बताइए? इन दिस पॉलिप स्टेज यू विल फाइंड व्हाट? पॉलीमॉर्फिज्म। तो एंथोजोन्स में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ज्यादा देखेंगे। ओके, तो आई कैन शो यू सम एग्जांपल्स में पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ देखिए, तो ये तो ओबेलिया में हमने पॉलीमॉर्फिज्म देखा ही था, एंड वी डिड वी डिस्कस दिस पॉइंट?
टाइप्स ऑफ मेड्यूसा एंड टाइप्स ऑफ पॉलिप बताइए। तो ये देखिए, ये आपका पॉलीपॉइड कॉलोनी है। तो गैस्ट्रोजोइड क्या करेगा बोलिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेशन? फीडिंग, ये फीडिंग ज़ूइड्स है। डैक्टिलोज़ोइड डिफेंस ज़ूइड्स, ओके, ये प्रोटेक्शन करेंगे कॉलोनी का। गोनोज़ोइड गैमेट्स बनाएगा, ओके, तो वो मेल गोनोज़ोइड है इधर एंड उधर फीमेल गोनोज़ोइड है। तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रिक्टली पॉलीपॉइड कॉलोनी हो गया। तो इसका मतलब दिस बिलोंग्स टू एंथोजोआ। बट यहाँ ओबेलिया में क्या देख रहे हो, इसमें एक मेड्यूसा स्टेज भी है। तो अगर मेड्यूसा स्टेज है तो आपका वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजोआ। चलिए, तो ये खूबसूरत सा टॉपिक है हमारा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सो दैट इज कॉल्ड निडारिया। फाइन, तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सो नाउ वी विल डिस्कस टेनोफोरा। ठीक है, टेनोफोरा नहीं हुआ था ना हमारा? नहीं सर। हाँ, तो बिकॉज तो इसलिए फ्लैटवर्म्स के पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टीनोफोरा। नाउ बॉय, सो टीनोफोरा क्या करेगा बताइए। सो टेनोफोर्स आर अदरवाइज आल्सो नोन एज व्हाट, सो दिस इज ए निडारिया, ओके, या टेनोफोरा, ओके, सो ए निडारिया या टेनोफोरा। ठीक है जी, नाउ व्हाट डज ए निडारिया मीन, ए निडारिया से क्या मतलब है उसका, माने क्यों उसको हम ए निडारिया बोल रहे हैं? डजंट हैव न्यूट्रोसाइट, बताइए। I am actually ending the meeting, है?